तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप और मैं आज आपके लिए लाया हूं छोटे बच्चों वाली बाइक जिसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि ये बाइक है वो काफी बढ़िया और काफी अच्छी, इसका कलर है वो भी कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया किया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने ताकि आपको पता चले आपके बच्चों के लिए बाइक सही है कि नहीं। चलो इसको हम अनबॉक्सिंग करके पूरा का पूरा टेस्टिंग करने वाले। वाओ काफी अच्छी। चलो इसको मैं खोल कर दिखाई देता हूँ आपको। देख सकते हो काफी बढ़िया है, रह नहीं पाएगी। इसको मैं इसको सुला देता हूँ। दोस्तों ये आगे वाला पार्ट है, ये पैर रखने वाला, ये लीवर वाला पार्ट है, पूरा यहाँ हमने आप निकाल दिया है। ये इसका चार्जिंग है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो पूरा स्पेयर पार्ट इधर आ गया है। अब मैं यहाँ का जो वायरिंग है इसके साथ जॉइंट करने वाला हूँ क्योंकि ये लीवर वाला पार्ट है। ये जो वायरिंग है वो लीवर का है, आप देख सकते हो यहाँ से आप लीवर इसको दे सकते हो। यहाँ मैं इसको फिट कर देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट है और पूरा पैक हो गया है, उसका लॉक भी लग गया है आप देख सकते हो। दूसरे साइड की बारी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो इसको भी मैंने लॉक कर दिया। दोस्तों इसका जो स्क्रू है हमारे पास है, अब ये जो पीछे वाला सेफ्टी का पार्ट है इसको हम जॉइंट कर देते हैं। हमारे साथ इसका पाना भी अवेलेबल है, साथ में आया है, इसलिए आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा। आप इस गाड़ी का ऑर्डर करोगे तो साथ पे भी है, स्क्रू ड्राइवर भी आएगा, आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो जॉइंट। काफी अच्छा है। अब ये जो बाइक है उसको हमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब ये गिरने वाली नहीं। आप देख सकते हो नीचे का जो मेन पार्ट है उसको हमने जॉइंट कर दिया है। अब हम बारी लेते हैं आगे के पार्ट की। दोस्तों अब हमारी जो बाइक है बिना सपोर्ट के रह सकते हैं क्योंकि नीचे का जो भाग है उसको हमने सपोर्ट डाल दिया है। अब आगे की प्रोसेस हम चालू करते हैं। इसका हैंडल है, इसको हम इसका बोल लीजिए और ये बोल के द्वारा इसको हम फिट करने वाले। दोस्तों आगे का हैंडल हमने फिट कर दिया, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब आगे का बोनेट है उसकी बारी है, इसको पहले हमें यहाँ जॉइंट करना पड़ेगा। चलेगा अगर ये हाथ आपके हाथ से निकल गया तो ये पूरा अंदर जा सकता है, तो गाड़ी आपको फिर से खोलनी पड़ेगी। यहाँ येलो येलो ब्लैक रेड ब्लैक रेड, अब इस दोनों को मंदिर
थोड़ा मुश्किल हो रहा था, गाड़ी अपनी जगह, बाइक अपनी जगह पर थोड़ी हिल रही थी, इसलिए उसको बाइक पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो बाइक में आगे वाला जो ग्लास है मिरर वही जॉइंट करना बाकी है। नहीं, इसको हम पहले जॉइंट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी बाइक है हमने रेडी कर दी है। आप देख सकते हो नन्ही सी बढ़िया अच्छी अच्छी वाली बाइक है हमारी। ये जो चार्जिंग का पॉइंट है उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे जो चार्जिंग का पॉइंट है वो यहाँ पे रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे बैटरी खत्म हो जाती है इसकी तो आप इस चार्जर की मदद से इसको आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ इसका पॉइंट है, मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये सारे कैमरा मैन से विनती करता हूँ ये जो पूरी गाड़ी है वो आपको अच्छी तरह से दिखाए। हमारी पिंक कलर की बाइक है जिसको काफ़ी तरह से मैं उठा भी सकता हूँ, यहाँ वहाँ पटक भी सकता हूँ। काफ़ी वजन में इसका वेट ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। अब इसका जो फंक्शन है वो पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं। इसमें सॉन्ग है, म्यूजिक है, स्टोरी भी है और ऑन भी है। हम बारी बारी सब प्रेस करके देखने वाले हैं। Thoughtful Friend by Cynthia Porter. In winter, thoughtful friend. Another sunrise. Snow day. Rain go away. I am the weep of. Snow day. Thoughtful Friend. दोस्तों अब ये गाड़ी को हम चलाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्ड स्टॉप और बैक, यानी कि आप बैक पे प्रेस करोगे और लीवर दोगे तो बैक चलेगी, फॉरवर्ड करोगे तो लीवर दोगे तो आगे चलेगी, और बीच वाला रहेगा तो लीवर दोगे तो अभी नहीं चलेगी। ओके, तो अब मैं फॉरवर्ड पे यहाँ पे लीवर देके चलाने वाला हूँ। आप देख सकते हो अब बैक पे जाता हूँ और फिर से लीवर में देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्टॉप और बैक का ऑप्शन है इसको आप देख सकते हो। पीछे का टायर है वहाँ पे मोटर है, तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको फॉरवर्ड पे आगे जाए प्रेस करेंगे पूरी गाड़ी आगे। यहाँ पे लाइटिंग हो रही है, आपको दिखाई नहीं देती, देखो आप, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो रही है, वो मैं पूरा वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ आप जैसे ही बैक का स्विच ऑन करोगे तो देखो तो पीछे चलेगी। चलो अब ये जो बाइक है पिंक कलर की, क्या है मेरा वेट कैरी कर पाएगी, तो चलो हम देखते हैं। मेरे को पूरा का मेरा वजन शायद, मेरा वेट शायद 60 से 70 तक होगा, तो क्या लगता है मेरे को वेट कैरी कर पाएगी, चलो देखते हैं। दोस्तों ये बाइक को मेरा वजन उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हो। अब इस बाइक की स्पीड हम टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि यहाँ जो लीवर का बटन है उसको हम प्रेस कर देंगे ऐप की मदद से, फिर इसको खुले रोड पर छोड़ देंगे, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो चलो दोस्तों इसका जो लीवर है इसको हम ऑटो करने वाले टैप की मदद से। तो दोस्तों इस गाड़ी को हमने ऑटो पे डाल दिया, यानी कि इसका जो लीवर है वहाँ पे हमने टेप लगा दिया ताकि ये गाड़ी अच्छी तरीके से चल पाए, क्योंकि ये मेरा वेट कैरी नहीं कर पाती है, इसलिए इसको मैं ऑटो पे चलाने वाला हूँ। यहाँ मैंने कर दिया इसका बटन ऑफ, ये देखो भागने लग गया।
अब इसको भी पीछे का बटन दबो तो देखो फिर से आएगी। इसको फॉरवर्ड पे प्रेस करता हूँ, इसका जो लीवर है उसको हमने टेप से पूरा का पूरा ढक दिया है, पूरा का पूरा प्रेस कर दिया है। तो ये पिंक बाइक का वीडियो हमने आपको दिखा दिया, काफी बढ़िया और काफी अच्छी है। इसकी प्राइस की बात करो कि 4000 में बढ़िया क्वालिटी है, ये 30 से 40 किलोग्राम वेट कैरी कर पाएंगी। अगर इस गाड़ी को आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहां से आप परचेज कर सकते हो। अगर ऐसे ही टॉयज के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे ही टॉयज के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे।